हेलो फ्रेंड्स, दादी के ढाबे में आपका स्वागत है। आज हमारी दादी बना दी है चिकन पिज्ज़ा, तो अभी दादी बताएंगी कि कैसे बनाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, और छोटे बच्चों को दादी बहुत बहुत प्यार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज्ज़ा। ये जो मेरा पोता वीडियो एडिट करता है, जो मेरी वीडियो बनाता है, बहुत दिन से जिद कर रहा था, दादी चिकन पिज्ज़ा बनाइए, चिकन पिज्ज़ा बनाइए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन पिज्ज़ा। चिकन पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, जो पतले छोटे छोटे पीस कटा हुआ है। चिकन में डालने के लिए जो हमें मसाले चाहिए, उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, नींबू का रस लिया है 2 नींबू का रस, और स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे। ये मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर, और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके लिए मैंने लिया है पिज्ज़ा सॉस, और यहाँ पर हमने 100 ग्राम तेल लिया है, कुकिंग ऑयल। इस बार मैंने तैयार पिज्ज़ा बेस ले लिया है। पिछली बार मैंने पिज्ज़ा बेस बनाना बताया था आप लोगों को, तो आप वो वाली वीडियो मेरी जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। अब हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन में काली मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट रख देंगे। 15 मिनट हो गए मैरिनेशन को, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इंडक्शन पे हम कढ़ाई रख देंगे, इंडक्शन चालू करेंगे। अब उसके अंदर हम 100 ml तेल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें चिकन डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे, फिर इसको हम ढक्कन लगा देंगे। इसका पानी खुश्क होने तक और इसको गलने तक हमें पकाना है। ये देखिए, चिकन हमारा पक के तैयार हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसमें से। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखिए, गल गया है हमारा चिकन। अब एक प्लेट में हम पिज़्ज़ा बेस लेंगे, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, और पूरे पिज़्ज़े पर उसको चम्मच से फैला देंगे। ये देखिए, पूरे पिज्ज़े पे हमें चम्मच से उसको फैला देना। अब इस पर हम चीज़ डाल देंगे। ये देखिए, चीज़ को हम किसने से किस कर इसके ऊपर डाल देंगे, पिज़्ज़े के ऊपर, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छा से फैला देंगे उसे। अब इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। चिकन मेरा बहुत स्पाइसी बना है, आप चाहें तो मसाले कम भी डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए हैं। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्च लगाएंगे, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इस पर हम टॉपिंग करेंगे। अब इस पर हम फिर से चीज़ किस के डालेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसे इंडक्शन पर रखेंगे, उस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, उसको ब्रश से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। पिज़्ज़ा को फ्राइंग पैन में हमने रख दिया है, इंडक्शन हमने चालू कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे, जब तक इसकी चीज़ पिघल ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। हाँ, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 4 मिनट भी लग सकते हैं, और आँच मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं तो पिज़्ज़ा जल जाएगा। ये देखिए, अब हम ढक्कन हटाएंगे पिज़्ज़ा पर से। ये देखिए, पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार है। ये मेरा पोता है, बहुत हंस रहा है देख कर, ये बहुत चटोरा बच्चा है, अब इसे खाने को मिलेगा, बहुत खुश है पिज़्ज़ा देखकर। ये देखिए, पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार है। आप इसे देखिए, इसे लाइक कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।